ईद मुबारक। आजो बच्चों, सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई टाइम बहुत कम है, नमाज़ के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी है। उससे पहले मीठा खाना है, बेगम जल्दी से खिला दो। चीर खुरमा बहुत टाइट बने, मीठा खा के जाना चाहिए जब नमाज़ पढ़ने जाओ, सुन्नत अदा होती है। मिलते हैं नमाज के बाद। अभी का सीन ये है, मैं राबिया लोहे घर आ गया हूँ कोरमा लेने के लिए। उसे नहीं पता और आंटी को भी नहीं पता, क्योंकि उसका कोरमा खाने का दिल था। उनके घर बन रहा था रात में, वो लेके नहीं जा सकी थी। खैर अभी मैं लेके जाता हूँ, सौर राबिया को सरप्राइज देता हूँ। राबिया के लिए पराठे लेने थे, तो हमने बोला भाई 120 FPS भी कर लो। पराठे तो ले लिए यहाँ से, सारे होटल बंद है आज। राबिया के लिए मैं कोरमा और पराठे ले आया हूँ, अब उसे सरप्राइज दूंगा, देखता हूँ क्या रिएक्शन आएगा उसका। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सुस्तू सो रही है, सुस्तू ये लो पराठे और देख लो और क्या है, कोरमा मांग के लाया हूँ। हाँ बंदा एक दे रहा था, उससे मांग लिया मैंने। भाई अभी का सीन ये है कि व्लॉग आज अपलोड किया था छान रात वाला, उसके बाद जो मैं सोया हूँ 4 बजे उठा हूँ, और फिर मेहमान आ गए थे। अब निकलते हैं एक और जगह पर, हम जा रहे हैं ताई अम्मी के घर पर। उससे पहले गाड़ी साफ करते हैं, क्योंकि मज़ा तो बच्चों के साथ ही आता है ना, ईद वहाँ पे सेलिब्रेट होती है हर साल की तरह, तो वहाँ पहुँचते हैं। भाई आप सोच रहे हो गए दिखाई फरारी थी आई यहाँ वहाँ 86 में, तो आप बोलोगे भाई आपके तो कॉल और फैल में तजाद है। बात यह है कि फरारी की बैटरी ख़राब हो चुकी थी, वो स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ वहाँ 86 लानी पड़ी। अभी ये सारे बच्चे अपनी अपनी ईदी बताएंगे, देखते हैं इनके पास कितनी जमा होती थी और हमारे पास कितनी जमा होती थी इनकी उम्र में। अभी लगेगा हिसाब, कंपैरिजन होगा। हमारे पास कितनी जमा हुई थी? 2000 1800 1350 बताओ क्या? कितनी ईदी जमा हुई? 2000 हमारे पास कितनी जमा हुई? 2 या 3 एक बताओ यार। 3000 भाई इनके पास भी इतनी जमा हो रही है जितनी हमारे पास हुआ करती थी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। महंगाई आ चुकी है, बच्चों के पास ईदी उतनी जमा हो रही है, बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। हमारे पास ईदी जमा हो जाती थी, तीसरी चलो देखेंगे। देखो भाई ईद का है ना सबसे मेन काम होता है ईदी बांटना। पहले दिन हमने पूरा सो के गुजारा, दूसरा दिन भी आज 4 बजे तक सोए। अब दूसरे दिन सबसे पहले ईदी देंगे अपनी बेगम को और बहनों को, और उसके बाद बाकी सबको देंगे टोपियाँ। चलो पहले बेगम को ईदी दे दें, और सामा साहिम और बच्चे बाकी हैं तो उन्हें भी ईदी देंगे जैसे जैसे वो आएंगे घर पर। हेलो बेगम, ईदी आपकी। अच्छा सलाम कौन करेगा? कर रही हूँ, कैसे करते हैं? कल आंटी ने शिकायत होता है यार आपको, लो दे दो लो। अरे कितनी जल्दी आपको ईदी देने, नहीं देना तो ये बोल दें साफ नहीं दे रहा। अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब बेगम को ईदी दे दी, इसके बाद शाइस्ता कोमल लोगों को और बच्चों को ईदी वगैरह बांट के फिर इसको ख़त्म करेंगे ब्लॉग को, और इसको अपलोड करेंगे ईदी ईद में इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे आए हैं मन्नू लोगों को ईदी देने, इनको ईदी बांटते हैं। ये लो भाई तुम्हारी ईदी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मन्नू तुम्हारी ईदी है 100 रुपये बस। क्यों? सही है, बाकी सबकी ज़्यादा है, तुम्हारी कम है। आप छोटी हो ना यार। क्यों छोटी हो? अच्छा ये लो ईदी,
देख ले कितनी है, देख तो लो। खाली होगा, खाली होगा। अरे 500 रुपया है। माशाल्लाह। ये लो हसन भाई, ईदी तुम्हारी। ईद मुबारक। ये ले भाई तेरी ईदी। सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हुसैन को कितने मिले? मैंने इनको पिछले साल ईदी दी, ये अपने पापा की बातों में आ गया, बोल रहा है आपने तो मुझे ईदी नहीं दी थी, इस बार डबल देना, इसलिए मैंने इसकी ईदी काट दी। कितनी ईदी जमा हुई है तुम्हारे पास? अरे भाई लाओ मुझे दे दो। कितनी जमा हुई तुम्हारे पास ईदी? 200 बस। बाकी कहाँ है? मेरी मम्मा के पास है। मम्मा के पास? अपने पास नहीं रखी? भाई आज है तीसरा दिन और शाइस्ता कोमल की ईदी देना बाकी थी, बस अब उनको ईदी देते हैं और तीनों ईदें नींद की नज़र हो गई है, ईद और नींद और दावतें। अभी कोमल और शाइस्ता को बुलाते हैं, उनको ईदी देते हैं और व्लॉग को फिर करते हैं एंड। बाजुन ईदी ले लो अपनी, एक शाइस्ता की एक तेरी। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल किसी और व्लॉग में। बाय।